सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन, एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज निरामय योग स्टूडियो। और आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल राजन चौधरी के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी योगा विद डॉक्टर राजन के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूँ। मेरे किसी फ्रेंड के आगे दोस्त ने मुझे बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है और उन सभी के लिए है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो दोस्तों, प्रॉब्लम का नाम है, डिजीज़ का नाम है वेरिकोसील। सो दोस्तों, वेरिकोसील्स क्या होता है, एक वेरिकोस वेन्स होती है जो हमारे काफ रीजन में होती है और एक वेरिकोसील होती है जो हमारे स्क्रॉटम रीजन, जो मेल्स होते हैं उनके स्क्रॉटम रीजन में होती है। तो वेरिकोसील, पहले समझ ले वेरिकोसील क्या है और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, और सिंपली इसके दो पोज करेंगे जो आपको इससे प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर कर देगा। सो दोस्तों, वेरिकोसील जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वेरिकोसील जो है हमारी स्क्रॉटम के पास जो वेन्स होती है उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, उनको एनलार्ज होने से कुछ पेन होती है और पेन होने की वजह से उनका साइज जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, एक सैक बन जाता है, पाउच बन जाता है, जिसकी वजह से पेन होती है और ज़्यादा काम जो है नहीं कर पाता और ज़्यादा चलने में भी दिक्कत आती है। और दोस्तों, वेरिकोसील वेन्स जो है उसमें सैक की एनलार्जमेंट हो जाती है और काफ़ी चलने में दिक्कत आती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो उसके लिए सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर आपको है और कई लोगों को सर्जरी करवाने के बाद भी दिक्कत रहती है, तो इसके लिए आपने सिंपल एक पोज करना है, मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ आपने क्या करना है कि अपना जो है उसको, जो आपके स्क्रॉटम रीजन है उसको थोड़ा टाइट वेयर कोई आपने डालना है, जिसको हम लंगोट बोलते हैं, उसको उसको टाई करके रखना है अच्छे से। और दूसरी बात जो है, इसके सिंपल सा पोज हम करेंगे जिसको आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट पोज है इसका जानू शीर्षासना। मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत इफेक्टिव है वेरिकोसील के लिए। तो दोस्तों, पहले फर्स्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड करना है, दोनों साइड करना है और कम से कम 2 या 3 मिनट का इसमें स्टे करेंगे और सबसे पहले करेंगे जानू शीर्षासना। तो दोस्तों, जानू शीर्षासना में हम सीधे ऐसे बैठ जाएंगे और बैठने के बाद जो है, जो अपनी वन लेग है उस स्क्रॉटम रीजन जो है उसके बिल्कुल नीचे, उसकी हमारी हील जो है बिल्कुल स्क्रॉटम रीजन के बिल्कुल नीचे टच करनी चाहिए। सो दिस इज, और एक लेग फोल्ड करके दूसरी हैंड लेग को बिल्कुल सीधा करके और हैंड से इसको टच करना है। सो दिस इज द पोस्चर, और कोशिश करना है अपने हेड को नी के साथ टच करने के लिए। सो इसको कम से कम 2 या 3 मिनट का स्टे करें, पहले लेफ्ट साइड राइट साइड या राइट साइड उसके बाद लेफ्ट साइड, ये सुबह भी करें और शाम को भी करें, इवनिंग करें, मॉर्निंग करें, दोनों टाइम करें, बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन वेरिकोसील के लिए। और मेल्स में काफ़ी दिक्कत रहती है और इसमें आपकी जो इम्पोटेंसी है वो भी क्योर हो जाएगी। और नेक्स्ट पोज, और इसी तरह आपने दूसरी साइड भी करना है, अपनी हील को स्क्रॉटम रीजन के बिल्कुल नीचे एरिया में टच करना है, देन थंब को पकड़ के। सो दिस इज द पोस्चर, तो ये आपने एक पोस्चर करना है जिसको जानू शीर्षासना बोलते हैं। और दूसरा है हनुमान आसन, हनुमान आसन जो हनुमान जी की आकार का जो किया जाता है, ये भी बहुत इफेक्टिव है वेरिकोसील के लिए। अगर हो सकता है बिगनर्स इसको ना कर पाए, पर धीरे धीरे हो जाएगा, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव आसन वेरिकोसील के लिए। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है दोनों, सो दोस्तों इसमें है दोनों लेग्स को खोल लेंगे ऐसे। सो दिस इज द पोजिशन, देन पहले लेफ्ट साइड करेंगे उसके बाद राइट साइड, तो दोनों साइड में करें, दोनों लेग्स को हमने खोलना है, आप जितना खोल सकते हैं। सो दिस इज द पोजीशन, सो दिस इज द हनुमान आसन, साइड दोनों साइड करें, बहुत ही इफेक्टिव आसन अगर आप कर पाए तो इससे आपकी जो वेरिकोसील्स की प्रॉब्लम है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। सो देन अनदर साइड,
अगर नहीं होता तो दिस इज द पोजीशन। तो ये ही बिगनर्स कर लें तो उनके लिए दोस्तों ये दो पोजेज आपने डेली करना है जो कि आपके लिए वेरिकोस सील के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको किसी डिजीज के रिलेटेड वीडियो बनानी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।